देखिए माननीय बहन जी के निर्देश पर आज मैं हाथरस आया। सिकंदरा राव में जो ये घटना हुई थी भगदड़ मचने के बाद जो तमाम लोग मृतक हुए थे, मैं सुबह लगभग 11 बजे आ गया हूँ एटा। एटा जिले में भी मैं कई जगह मृतक परिवार से मिल करके आ रहा हूँ, फिर हाथरस में भी मैं कई गांव में गया हूँ जो मृतक परिवार लोग रहे उनसे मिला गया, फिर आपके इधर अलीगढ़ में भी मैं कई जगह मिल के आया हूँ और मैं फिर घटनास्थल पर भी गया। घटनास्थल पर वहाँ देखा कि किस तरीके से लोगों क्या हुआ था, फिर अभी आके आपके मेडिकल कॉलेज में यहाँ साधना और एक आशा दो लोग अभी यहाँ एडमिट हैं और दोनों लोगों की शांति, दोनों लोगों की लगभग हालत ठीक है। पसली भी चोट आई थी, अभी वो आईसीयू में है लेकिन यह है कि राहत है, उसको ठीक ठाक है। क्या कहेंगे सर घटना को लेकर, इतनी बड़ी घटना हुई है? देखिए मेरा मानना यह है कि जब इतनी बड़ी भीड़ होती है किसी भी कार्यक्रम में तो बिना प्रशासन के अनुमति के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर प्रशासन ने इतने बड़े कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी थी और जो मानना है कि जितने लोगों को परमिशन हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हो गई, अगर वो भीड़ बढ़ी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको और अच्छे तरीके से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर प्रशासन उस जो इन्होंने परमिशन लिया था उससे ज़्यादा अगर भीड़ हुई है और उसके लिए समुचित व्यवस्था करती प्रशासन तो फिर निश्चित ही घटना ना होती। मैं शासन से मांग करता हूँ कि जो प्रशासन की लापरवाही से ये घटना हुई है इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिनकी भी कमी हो इस घटना में उनको जो दोषियों को सज़ा मिले और पनिशमेंट मिलना चाहिए। बाकी मेरा ये कहना है कि जो मृतक परिवार हैं उन परिवार के लोगों को आर्थिक मदद दी जाए और उस परिवार में जिस परिवार में हमने देखा कि अभी कई गांव में गए जिनके घर कोई सहारा नहीं रह गया है, बच्चे ख़त्म हो गए, माताएं मर गई, कई लोग मृतक हो गई हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि उनके परिवार में उनके लोगों को नौकरी शासन से मिलनी चाहिए और आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। और जो मरीज मैं काफ़ी गाँव में गया तो जो घायल थे उनको भी मिला तो वहाँ पता लगा कि हॉस्पिटल से तो उनको रेफर कर दिया गया है लेकिन उनकी भी हालत ठीक नहीं है। हमने उन लोगों से बात किया। 2 तारीख की घटना का 4 तारीख हो गई, अभी तक बाबा का सुराग नहीं लग पाया। नहीं, निश्चित है कि जो शासन है इसको इस पर तेज कार्रवाई करनी चाहिए और जांच जो उच्च स्तरीय जांच है इस जांच की भी एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि जांच हो रही इसका मामला नहीं है, जांच की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसके अंदर जांच करा करके जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। इसको दोषी मानते हैं जो 131 लोगों की जब मृत्यु हुई है इसकी? आप देखिए इसको तो मैं ये मानता हूँ कि अगर परमिशन हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ परमिशन हुआ था तो परमिशन कितने लोग हुए उससे ज़्यादा अगर भीड़ हुई तो उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर व्यवस्था नहीं तो घटना भी बाकी और भी जो दोषी इसमें होंगे जाँच होने के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए।